नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ इस समय नगर पालिका निगम की सौ वाहन के साथ। आज 29 तारीख का दिन है, गुरुवार। आज रीवा के विभिन्न अस्पतालों में क्या स्थितियां रही, कितने लोगों को आपने अंतिम यात्रा तक पहुंचाया, जानने समझने के लिए। क्या नाम है आपका? रितेश जी, क्या स्थिति है आज की? कुल कितनी है वो? आज आप 7 बॉडी लेके जा रहे हैं? चलिए, ठीक है। ये थे हमारे साथ नगर निगम 100 वाहन के चालक रितेश जी, जिनका साफ तौर से कहना था आज हमने 7 बॉडियों को अंतिम संस्कार के लिए वहां पर पहुंचाया। मैं आपको एक जानकारी दूं, हालांकि प्रशासनिक लेवल पर जो भी जानकारी वो आपको नहीं होगी, यहाँ मेरी नगर निगम के 100 वाहन से बातचीत हुई। उनका कहना था पिछले 3 दिनों में, आज के दिन को भी मिला के 29 तारीख की भी जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, 25 से ज़्यादा अंतिम संस्कार रीवा के शमशान घाट और कब्रिस्तान में हुए हैं। शासन इन आंकड़ों को नहीं दे रहा है और ये माना जा रहा है कि उन लाशों को भी बड़ी देर से दिया जा रहा है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भाई दवाई के लिए मरीज एडमिट के लिए बात तो जायज़ है, लेकिन लाश ना मिले, ये हिंदुस्तान में पहला नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी पिछले 2 दिन पहले मैंने फ़ोन लगाया कि एक धर्मशीला शुक्ला करके पेशेंट है, उनकी लाश दे दी जाए, तो उनकी लाश मेरे सिफारिश के बाद 4-6 घंटे बाद लाश मिली। तो ये मंजर मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री की नाकामी, प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री की नाकामी और रीवा के शासन प्रशासन की नाकामी जो देखने को मिली, ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके की भी घटना घटेगी कि लाश दिलाने के लिए सिफारिश सब लोगों को करनी पड़ी, अस्पताल जाना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था या किसी ने शायद ही सोचा होगा ये दिन भी देखने के लिए मिलेगा। स्कूलों में एडमिशन की सिफारिश की बात तो सुनी थी, चिकित्सालय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए सिफारिश की बात तो सुनी थी, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए सिफारिश अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। इसको, जैसा कि आपने कहा, ये सरकार की नाकामी। मैं तो केवल ये कहूँगा, जिस चीज़ को मैंने सोचा नहीं था, सपने में नहीं सोचा था, अगर उस तरीके की घटना हो रही तो इससे दुखदाई इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।